देखिए किसी के पास माइक्रोस्कोप मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना माइक्रोस्कोप से आप हर बड़ी से बड़ी चीज देख सकते हैं, हर छोटी से छोटी चीज को बारीकी से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्यों मुझे चाहिए, देखिए इस वीडियो को। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए आप सोच रहे होंगे ये स्पोर्ट्स का चैनल है, ये क्यों साइंस पढ़ा रही है भैया, क्यों माइक्रोस्कोप हमें ढूंढवा रही है, क्यों बोल रही है कि माइक्रोस्कोप है या नहीं। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया बनाम न्यूजीलैंड दूसरा T20I जो है वो खेला जा रहा है, जिसमें हमें एक चीज जो है वो नजर नहीं आई, वो चीज है संजू सैमसन। जी हाँ, संजू सैमसन जो है हमें नजर नहीं आए प्लेइंग 11 में भी, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी संजू सैमसन को, केरला के शेर को जगह क्यों नहीं मिल रही। आखिर जगह उनको कब तक नहीं मिलेगी, कब तक बेंच पर सीट गरम करते रहेंगे संजू सैमसन। देखिए हमें समझ नहीं आ रहा है, आई एम श्योर आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे फैंस इस चीज पर नाराज है। आपको याद होगा जब अभी टॉस हुआ था इंडिया बनाम न्यूजीलैंड दूसरा T20I, जब टॉस हुआ था तो जो फैंस थे उनको लगा था शायद संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे दूसरे मैच में, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ये कहा गया था कि भाई युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, युवाओं को मौके दिए जा रहे हैं, तो संजू सैमसन या तो बुढ़ापे में आ गए, अधेड़ उम्र की व्यवस्था में आ गए हैं, किस चीज में आ गए, संजू सैमसन युवा क्यों नहीं है, और अगर युवा है तो उनकी जगह प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है। इतना डिजर्विंग कैंडिडेट होने के बावजूद भी अगर वो बेंच पर बैठे हैं तो इससे ज्यादा दुख फैंस के लिए नहीं होगा। और आपने देखा होगा जब टॉस हुआ था तो फैंस जो है संजू सैमसन की ऐसे तस्वीर लेके भी खड़े हुए थे, कुछ जो है संजू सैमसन का नाम चैंट कर रहे थे, बहुत सारे नाम जो है होर्डिंग में लगे हुए थे संजू सैमसन के, लेकिन उसके बावजूद भी संजू को मौके नहीं मिल रहे हैं। और आप देखिए जब आपको मौके नहीं मिलेंगे तो आप प्रदर्शन कहाँ से करेंगे, कहाँ से दिखाएंगे आप कि भाई मेरे में इतनी काबिलियत है। मौके दीजिए ना यार, मौके दीजिए संजू जैसे खिलाड़ी को, जिसने IPL में इतना धूम मचाया, राजस्थान रॉयल्स के स्किपर कैप्टन है संजू सैमसन, IPL में धमाल मचाया, T20 करियर छोटा है लेकिन अच्छा है, मजेदार है, शानदार है। ये आंकड़े देखिए, T20 करियर देखिए संजू सैमसन का, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि भाई माइक्रोस्कोप चाहिए, संजू सैमसन नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि T20I में संजू सैमसन देखिए इन्होंने सिर्फ 16 मैचेस खेले हैं और उसमें जो है 296 रन्स इन्होंने बनाए हैं। एवरेज की बात करें तो 21.14 का इनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी है, बहुत सारे ओपनर्स से तो काफी ज्यादा शानदार स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट 135.16 का है। आप जानते हैं अभी KL राहुल और रोहित शर्मा जो कि ओपनर है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने जो है अभी वर्ल्ड कप 2022 में 120-121 स्ट्राइक रेट से खेला था, तो उससे ज्यादा ही अच्छे जो है इनके स्ट्राइक रेट है। साथ ही साथ अगर 100 की बात करें तो 100 इन्होंने एक भी नहीं मारा है और 50 इन्होंने एक बार जरूर लगाया है। ये आंकड़े देख के देखिए आप भी चौंक गए होंगे कि इस खिलाड़ी को मौके ही नहीं मिले हैं उतने जितना ये डिजर्व करता था। वर्ल्ड कप 2022 में भी नहीं मिले मौके, वर्ल्ड कप 2022 में भी देखिए संजू सैमसन को ऑस्ट्रेलिया लेकर ही नहीं गए, जबकि आपको याद होगा कि रोहित शर्मा बड़े ट्रिकी इंसान है, रोहित शर्मा ने कहा था कि संजू को हम यूज करेंगे, संजू को हम इस्तेमाल करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी संजू सैमसन ना तो मेन टीम का हिस्सा थे और ना ही संजू सैमसन रिजर्व्ड खिलाड़ियों में थे। हमारी इस बात से कि भाई संजू को ज्यादा मौके मिलने चाहिए, रवि शास्त्री जो कि भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी भी हैं और शानदार कमेंटेटर भी हैं, कोच भी रह चुके हैं रवि शास्त्री, रवि शास्त्री और कोहली की जोड़ी ने बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं टीम इंडिया को, रवि शास्त्री का क्या कुछ मानना है संजू सैमसन को मौके मिलने चाहिए इस चीज पर देखिए। देखिए अभी रवि शास्त्री ने रिसेंटली संजू सैमसन के बारे में कहा कि संजू सैमसन जैसे अन्य युवाओं की तलाश करे, उसे दो ना मौके, 10 मैच दो उसे, ऐसा नहीं है कि 2 मैच खिलाया और फिर निकाल दिया, बैठाओ दूसरे लोगों को, 10 मैच दो उसे, फिर देखना 10 मैच के बाद तय करो कि उसको मौके देने चाहिए या नहीं।
बीसीसीआई को बड़े ही लताड़ते हुए रवि शास्त्री ने कहा है कि भाई दो इनको 10 मैच खिलाओ संजू को, फिर आप फैसला करना कि भाई आपको बैठाना है या नहीं बैठाना है। अगर आप एक खिलाड़ी को सिर्फ एक या दो मौके दे रहे हो, दो मैचेस दे रहे हो, एक दो मैचेस दे रहे हो, फिर आप उससे उनकी काबिलियत पर क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये चीज तो गलत बात है ना। ये इस बात से हम भी पूरी पूरी एग्री करते हैं रवि शास्त्री की। आप कमेंट्स के जरिए आप बताइए कि संजू सैमसन का दूसरे T20I में इंडिया बनाम न्यूजीलैंड में आपको उनको ना देखकर कैसा लगा। देखिए हमारे तो दिल पर लगी है बात, जब कोई इतना बढ़िया खिलाड़ी आपको बेंच पर बैठा नजर आता है तो आई एम श्योर सबके दिल जो है जरूर टूट जाते हैं। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो यार वीडियो को अपना थोड़ा सा ही प्यार दे दीजिए, ज्यादा हम नहीं मांग रहे, थोड़ा सा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। और स्पोर्ट्स नेस्ट चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।